हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का टॉपिक था हमारा, कल मैंने आपको बताया था इसमें सन्निकटन। सन्निकटन हमारा कल नया टॉपिक हमने शुरू किया था। इसमें मैंने आपको तीन चार पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि वाई में सन्निकटन जो परिवर्तन होगा, सन्निकटन परिवर्तन, ठीक है, तो वो होगा बच्चों डेल वाई, जिसको हम सन्निकटन त्रुटि भी बोल सकते हैं। दूसरा इसमें मैंने आपको बताया था वाई में या वाई का सन्निकटन जो मान होगा, वाई का सन्निकटन मान वो क्या होगा बच्चों, वाई प्लस डेल वाई। और यदि वाई में प्रतिशत त्रुटि निकालें, प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत वृद्धि जिसको हम बोल सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि या त्रुटि कुछ भी, तो वाई में प्रतिशत वृद्धि वो होगी डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100%, ठीक है। और यहाँ पे डेल वाई का जो मतलब मैंने आपको बताया था, वाई बराबर यदि एफ एक्स है तो यहाँ पे जो डेल वाई हम ले रहे थे वो क्या था बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, यही तो था। और इसी से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। आज हम इसके नेक्स्ट और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे वाले, तो जरा ध्यान से समझना जो बातें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे बात ज्यादा समझ में आती जाएगी, ठीक है। और गणित का मतलब ही है, जितने क्वेश्चन निकालोगे उतनी गणित समझ में आएगी। आज का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल आपकी बुक का जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर इसमें हम ले रहे हैं 27। 27वां जो उदाहरण है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है एफ 5.001 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। एफ 5.001 का सन्निकटन मान हमें यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, सन्निकटन मान। और इसके लिए यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू भी दे रखी है। एफ एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर है वो दे रखी है इसमें x³ - 7x² + 15। ये क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है। तो जरा बात को ध्यान से समझना, इसका सन्निकटन मान ज्ञात करना है, और जिसका भी सन्निकटन मान ज्ञात करना होता है उसको हम फलन मानते हैं सबसे पहले y बराबर। तो यहां पर y बराबर आप क्या मानोगे, माना y बराबर एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स है। जैसे कि कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि अंडर रूट 26 का सन्निकटन मान बताइए, तो जिसका सन्निकटन मान निकालना है उसको हम सबसे पहले मानते हैं, उसके हिसाब से एक फंक्शन मानते हैं। तो यहां पर हमने माना था y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है, और x को ऐसी वैल्यू लेते हैं, x का ऐसा मान हम लेते हैं जिससे इसको हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो इसके लिए हमने यहाँ पर x बराबर कितना लिया था, 25, क्योंकि 25 का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के हिसाब से यहां पर आप देख सकते हो कि y बराबर एफ एक्स हमने मान लिया, जहां पर x बराबर हम क्या लेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे, और जो डेल एक्स होगा वो होगा 0.001, ठीक है बच्चों, क्योंकि x की जगह एफ एक्स में x की जगह 5 लिख करके यदि आप मान निकालोगे तो वो आसानी से आ जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका सन्निकटन मान चाहिए, मतलब किसका, y का सन्निकटन मान चाहिए, और y का सन्निकटन मान होता है y प्लस डेल y। तो हमारे को क्या निकालना है, डेल y निकालना है, और डेल y निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है। तो यहां पर पहले मैं y बराबर एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू लिख लेता हूं, ये होगी और यही तो होगी, और यहां पर यदि हम इसका अवकलन करें तो वो होगा dy by dx। इसका अवकलन y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy by dx होगा। x³ का 3x² 40x, इसका करोगे तो 14x आएगा, 15 का कितना हो गया 0, ठीक है। अब dy by dx की वैल्यू किस पर चाहिए, x बराबर 5 पर, तो इसमें x की जगह 5 लिख दीजिए, जहां पर x दिख रहा है तो यहां पर लिखोगे 5, हो गया कितना 25, 25 को
तीन से मल्टीप्लाई करोगे 25 3 75 माइनस, यहाँ पर फिर से 5 लिखोगे तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 4 20 हासिल की 2 5 और 2 7 14 75। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि डीवाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है x बराबर 5 पर वो कितनी आएगी, 5 आएगी। आपने डीवाई बाई डी एक्स क्यों निकाला, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, डेल वाई चाहिए। और डेल वाई होता क्या है बच्चों, डेल वाई जो होता है आप पहले अपने देख सकते हो, डेल वाई का मतलब क्या है, डेल वाई का मतलब है डीवाई बाई डी एक्स डॉट डेल एक्स, ये तो होता है। तो यहाँ पर हम आसानी से डेल वाई की वैल्यू अब निकाल सकते हैं, वो होती है क्या, डीवाई बाई डी एक्स को गुणा कर दो किससे, डेल एक्स से। डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और डेल एक्स की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पे 0.001, ये तो है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.005। आपको क्या चाहिए था, सन्निकटन मान चाहिए था, और सन्निकटन जो मान होता है वो क्या होता है बच्चों, वाई प्लस डेल वाई, ये तो होता है सन्निकटन मान, y प्लस डेल y क्या होता है, सन्निकटन मान होता है। ओके, अब y की वैल्यू यहां से आएगी जहां पर आप फलन मानते हो, वहां से y की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू कब आएगी, जब आप x की जगह x का मान यहां पर लिखोगे, तो x की जगह कितना लिखना है बताओ, देखिए 5 लिखना है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3, 5 × 5 = 25, 25 × 125। ठीक है, फिर माइनस यहां पर लिखोगे कितना, 5 5 25, और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौक 100 और 25 × 200 मतलब 175 होगा। अरे 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 ही आएगा, और प्लस का 15, तो प्लस में प्लस की संख्या यदि ऐड करें तो ये 10 3 और 1 4, 140 यदि इसमें से आप घटाओगे तो 5 और 3 35, मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, माइनस का 35। तो y की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस का 35, और डेल y आपने निकाल लिया 0.005। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में y का जो है सन्निकटन मान आ जाएगा, मतलब यहाँ पर y का जो सन्निकटन मान आएगा जो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आपको सन्निकटन मान निकालना हो, सभी क्वेश्चंस का एक ही तरीका है, सबसे पहले आप फलन मान लीजिए। तो यहाँ पर y बराबर f, इसको इस तरीके से मानते हैं कि x ले लेते हैं, फिर x क्या है यहाँ पे 5, और डेल x जो बच गया वो हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल, अगला जो उदाहरण इसमें दे रखा है बच्चों वो है उदाहरण नंबर 28 आपकी बुक का, 28वां उदाहरण हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में कोई घन है, उसकी भुजा की लंबाई आपको दे रखी है x मीटर। घन की भुजा की लंबाई कितनी है बच्चों, x मीटर है। घन की भुजा में 1% वृद्धि होने के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सन्निकटन परिवर्तन पूछ रहा है, सन्निकटन मान नहीं, सन्निकटन परिवर्तन। और सन्निकटन परिवर्तन क्या होगा बच्चों, डेल वाई होगा। क्या होगा, डेल वाई होगा, मतलब यहाँ पर आयतन में सन्निकटन परिवर्तन निकालना है तो डेल वी हो जाएगा। तो हमारे को सिर्फ क्या निकालना है, डेल वी निकालना है। और डेल वी होता क्या है बच्चों, डी वी अपॉन डी एक्स डॉट डेल एक्स, ये निकालना है। तो आपके पास में ये चीजें होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आयतन में सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए, आयतन में सिर्फ सन्निकटन परिवर्तन आपको यहां पर निकालना है। तो दिया हुआ क्या है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है घन की भुजा, घन की भुजा, और घन की भुजा है एक्स मीटर, घन की भुजा एक्स मीटर है, और इसके साथ में आपको दिया हुआ है कि घन की भुजा में 1% वृद्धि। तो सर ये ध्यान रख लेना, प्रतिशत वृद्धि है, भुजा में प्रतिशत वृद्धि दे रखी है, भुजा में प्रतिशत वृद्धि, और प्रतिशत वृद्धि कितनी दे रखी है बच्चों, 1% दे रखी है।
भुजा में प्रतिशत वृद्धि 1% दे रखी है, तो आप इसको गणितीय रूप में लिख लीजिए। प्रतिशत वृद्धि का मतलब, वाई में प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या बताया था, डेल वाई अपॉन वाई इंटू सो, यही बताया था वाई में प्रतिशत वृद्धि। और यहां पर किस में प्रतिशत वृद्धि है, भुजा में प्रतिशत वृद्धि है, तो भुजा क्या है यहाँ पे एक्स है, तो एक्स में प्रतिशत वृद्धि इस फॉर्मूले से क्या होगी, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू सो प्रतिशत बराबर 1%। तो यहां पर यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और यदि डेल एक्स की वैल्यू आप यहां से निकालते हो तो देखो एक्स से मल्टीप्लाई होगा और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, डेल एक्स की वैल्यू दे रखी है। दो मान आपको इसमें दिया हुआ है, एक तो घन की भुजा, मतलब जो दिया हुआ है वो आंसर में आएगा, भुजा दे रखी है आपको x मीटर, x को हटाना नहीं है, रखना है क्योंकि दिया हुआ है, तो ये आंसर में आएगा। और यहाँ पर डेल x की वैल्यू आपके पास में आ गई है। आपको इसमें ज्ञात क्या करना था बच्चों, आपको इसमें ज्ञात करना था आयतन में सन्निकटन परिवर्तन, और वो होगा डेल v। आयतन में जो सन्निकटन परिवर्तन होगा वो क्या होगा, डेल v होगा, और डेल v का फॉर्मूला जो यहाँ पर होगा dv अपॉन dx डॉट डेल x, यही होगा ना। तो डेल x की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई है, मतलब दे रखी है, आपको निकालना क्या है, आयतन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर बच्चों मैं ये निकालने के लिए घन के आयतन का फॉर्मूला लिखता हूँ, घन का आयतन मतलब v बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब, और यहाँ पर भुजा कौन है, x है, तो x क्यूब हो जाएगा। तो जब आपके पास में क्वेश्चन में y और x होता है, y बराबर जब एफ एक्स होता है, तो आप वहां पर डेल वाई को क्या लिखते हो मेरे को बताओ, डेल वाई को हम लिखते हैं बच्चों डी वाई वाई डी एक्स डॉट डेल एक्स। यहां पर वी और एक्स है, इसका मतलब वाई की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करूं तो क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स होगा, और ये हो जाएगा 3x2। ठीक है क्या, तो आपके पास में डेल एक्स की वैल्यू आ गई, dv अपॉन dx आ गया। तो क्या आप आयतन में सन्निकटन परिवर्तन नहीं निकाल सकते, तो वो आयतन में जो सन्निकटन परिवर्तन होगा, आयतन आयतन में क्या सन्निकटन सन्निकटन परिवर्तन, और आयतन में जो सन्निकटन परिवर्तन होगा वो होगा डेल v इक्वल्स टू dv अपॉन dx डॉट डेल x। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज यहां पे लिख दीजिए, नीचे लिख लेते हैं, तो अवकलन जो है उसकी वैल्यू है 3x2 इंटू, और डेल एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, x अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस उदाहरण में आपको क्या ज्ञात करना था, आयतन में सन्निकटन परिवर्तन आपको ज्ञात करना था। ओके, मतलब जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, क्या ज्ञात करना है उसके बारे में सोचिए। यहां पर आयतन में सन्निकटन परिवर्तन हमें ज्ञात करना था, तो फिर आपने डेल वी का फॉर्मूला लिख के देखा कि हमें क्या चाहिए। आयतन में सन्निकटन परिवर्तन यदि आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या चाहिए, आपने वो चीज देखी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें हम सॉल्व करते हैं वो है एग्जाम्पल 29, आपकी बुक का उदाहरण नंबर 29। ये सारे के सारे उदाहरण एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। इसको सॉल्व करें, इसमें दे रखा है एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है। प्रारंभ में जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, जिसमें 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि है। त्रुटि मतलब त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है, त्रुटि डेल आर की वैल्यू है ये। इस त्रुटि के कारण इसके आयतन की सन्निकटन, आयतन की गणना में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। सन्निकटन परिवर्तन, सन्निकटन त्रुटि, ये एक ही बात है सर, सन्निकटन परिवर्तन बोल दीजिए या सन्निकटन त्रुटि बोल दीजिए, त्रुटि बोल दीजिए। ठीक है, तो वो डेल से ही लिखना है उसमें। यहाँ पे सन्निकटन मान नहीं पूछ रहा, वाई प्लस डेल वाई नहीं पूछ रहा, यहाँ पे बोल रहा है कि आयतन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए, मतलब डेल भी आपको सीधा सीधा यहाँ पे निकालना है। तो जो दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एक गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या मतलब आर, प्रारंभ में कितनी दे रखी है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। कोई गोला है उसकी त्रिज्या प्रारंभ में 7 सेंटीमीटर है।
जिसमें 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि है, त्रुटि बोले तो डेल आर, डेल आर यहां पर बच्चों दे रखी है 0.02 सेंटीमीटर, त्रुटि मतलब डेल आर, ठीक है क्या? त्रुटि मतलब डेल आर, त्रुटि का मतलब तो यही है भाई, इतनी त्रुटि मापी जाती है। इस त्रुटि के कारण आयतन की गणना में सन्निकटम त्रुटि ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या निकालना है, आयतन की गणना में सन्निकटन त्रुटि मतलब डेल वी निकालना है बच्चों। बात जरा ध्यान से समझना, किसकी बात चल रही है, गोले की, और गोले के आयतन में सन्निकटन त्रुटि आपको ज्ञात करनी है। तो गोले का आयतन क्या होता है वो लिख लीजिए आप पहले, गोले का आयतन, गोले का आयतन यहां पर ये मान लास्ट में काम में आएगा, ध्यान रख लेना। गोले का आयतन वी बराबर, वी बराबर क्या होता है, 4/3 πr³। आपको क्या निकालना है, आयतन में सन्निकटन त्रुटि मतलब डेल वी, और डेल वी का फॉर्मूला क्या होगा, वी और आर के हिसाब से dv/dr.δr। तो बताओ रे, डेल आर की वैल्यू आपके पास में गिवन है क्या? बिल्कुल है। आपको क्या निकालना है, dv/dr, मतलब जो आयतन का फॉर्मूला आपके पास में है उसका आप आर के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, अवकलन करोगे। तो यहां पर यदि हम अवकलन करते हैं तो dv/dr इक्वल्स टू क्या आएगा, 4π/3, तो कांस्टेंट है इसलिए ऐसे कैसे रहेगा। और आर क्यूब का यदि आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो क्या होगा बच्चों, 3r² ये कट गया तो आ गया 4π r² ये आएगा ना, अरे यही तो आएगा। तो फिर आसानी से हम आयतन में, आयतन में सन्निकटन त्रुटि निकाल सकते हैं। सन्निकटन त्रुटि, और सन्निकटन त्रुटि होगी डेल वी इक्वल्स टू dv/dr (δr). तो dv/dr की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 4π r², और डेल आर की वैल्यू जो दे रखी है वो है 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज जो आपको पता है वो लिख दीजिए, 4π की वैल्यू नहीं रखना है आपको, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 7 है, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 × 0.02। आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ओके। अब इसका मात्रक निकालें तो डेल वी मतलब आयतन ही तो है, आयतन का क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास में आंसर आ जाएगा, ओके। तो क्या गिवन है उस चीज को समझना भैया, देखो सन्निकटन परिवर्तन पूछता है तो सिर्फ डेल वी निकालना है। ऐसे आता है क्वेश्चन में कि आयतन में या आयतन का सन्निकटन मान बताइए, सन्निकटन मान पूछता है तो फिर आपको क्या निकालना पड़ता है, वी प्लस डेल वी। मान लगते ही वी प्लस डेल वी हो जाएगा, वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा, जिसमें सन्निकटन मान ज्ञात करना है, जिसका सन्निकटन मान ज्ञात करना, जैसे एक्स का सन्निकटन मान ज्ञात करना हो तो क्या होगा बच्चों, एक्स प्लस डेल एक्स होगा। वाई का सन्निकटन मान ज्ञात करना हो तो क्या होगा, वाई प्लस डेल वाई होगा। आयतन का सन्निकटन मान ज्ञात करना हो तो वी प्लस डेल वी होगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सन्निकटन परिवर्तन बोले या सन्निकटन त्रुटि बोले, ठीक है, तो फिर वहां पर आप क्या निकालोगे, सिर्फ डेल वी या डेल वाई निकालोगे। बात समझ में आ रही है सभी को? अब हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, जितने भी उदाहरण थे हमने उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन निकालोगे तो बात समझ में आएगी, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। क्या ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला आप रफ में लिख लीजिए पहले, फिर देखिए कि ये कब आएगा हमारे पास में, डेल वी कब आएगा, डेल वी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वी निकालने के लिए किस किन किन चीजों की आवश्यकता है, वो सारी बात आपको लिखने से समझ में आएगी, ठीक है। अब मैं प्रश्नावली 8.4 की बात करता हूं, जिसका पहला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नावली 8.4, और इसका ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है वो हम सॉल्व करते हैं। वो इसमें दे रखा है कि 0.009 की पावर 1/3 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। मान पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, और किसका मान पूछ रहा है, 0.009
9 की घात 1/3 का सन्निकटन मान पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसका सन्निकटन मान निकालना है तो सबसे पहले आपको यहां पर एक फलन मानना पड़ेगा, और फलन हम कैसे मानते हैं वो आपको मैंने बताया है कि घात तो सेम रहेगी, ये जो अंदर वाला है इसको थोड़ी देर के लिए x प्लस डेल x के रूप में तोड़ डालेंगे। x वो लेना है जिससे आप 1/3 की वैल्यू आसानी से निकाल सकें। अब यहां पर 0 की घात 1/3 आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि 0 की घात कितनी लगाइए वो हमेशा 0 ही रहेगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो चेंज कर सकता हूं, कैसे, 9/2 1000 ऐसे भी तो चेंज कर सकते हैं, और इसकी घात कितनी है 1/3 है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, माना एक फलन मान लेते हैं y बराबर, इसको आप क्या बोलोगे, x, x की घात 1/3 है, माना y बराबर x की घात 1/3 है, जहां x क्या होगा, डेल x क्या होगा, तो x वो होगा जिसका 1/3 यदि हम निकाले तो वो आसानी से निकल जाए। अब यहां पर बताओ क्या होना चाहिए, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8+1, तो 8+1 और बटा में है 1000 यहां पे, तो 8/1000 हो जाएगा प्लस 1/1000 हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। अब इसका 1/3 आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप 1/3 आसानी से निकाल सकते हो। तो यहां पर फिर आप क्या बोलोगे, यहां पर यह बोलोगे कि जो x है वो है 8/1000 और बच गया क्या डेल x, तो वो है 1/1000, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। ये बात यदि आपके समझ में आ गई तो ये मान के चलिए क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, इसका सन्निकटन मान ज्ञात करना था, तो मैंने यहां पर पॉइंट हटा के इसको लिख दिया 9/1000, और फिर y बराबर x की घात 1/3 मान ली, जहां पर x क्या लेना है जिसका 1/3 आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, और जो बच गया वो डेल x हो जाएगा। आपको इसका सन्निकटन मान बताना है, और सन्निकटन मान होगा y प्लस डेल y, और डेल y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहां पर जो y है इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा, dy/dx होगा, होगा या नहीं होगा। अब इसका अवकलन क्या होगा, घात पहले और घात में से एक कम करोगे, 1/3 में से एक कम करोगे तो -2/3 होगा, ठीक है। अब dy/dx की वैल्यू किस पर हमारे को चाहिए, x की जगह कितना लिखें, 8/1000, तो dy/dx की वैल्यू जो आएगी किस पर, x की जगह आप क्या लिखोगे, 8/1000, तो 1/3, और x की जगह आएगा कितना, 8/1000, तो 8/1000 की घात है -2/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अच्छा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2, और इसको नीचे 10, 2/10 की घात कितनी, 3, अरे इस अंदर वाले को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/10 की घात 3, और बाहर है -2/3, ये इससे कट गया ना। तो फिर यहां पर जो बच गया वो बच गया -2 पावर। माइनस की पावर को प्लस में बनाने के लिए अंदर वाले को उल्टा कर देते हैं, और उल्टा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, और की घात कितनी, 2, 10/2 का मतलब 5, और 5 की घात 2 का मतलब 25, तो यहां पर हो गया कितना बच्चों, 25/3। तो यहां पर जो dy/dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 25/3, और ये तो आएगी dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 25/3 आएगी, ओके। अब आपको क्या चाहिए, वो चाहिए डेल वाई, और डेल वाई क्या होता है, dy/dx.dx, यही होता है ना, तो dy/dx कितना आया, 25/3 आया, और डेल एक्स कितना है, 1/1000 है, तो ये इससे शायद कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 40 बार, तो ये हो गया 1/120, 25 चौक 100, 1/120, 1/120 हो गया, ओके। तो y का सन्निकटन जो मान होगा, y का सन्निकटन मान क्या होगा बच्चों, वो होता है y प्लस डेल y, होता ही नहीं होता, तो y की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी,
ठीक है, तो यहां पर x की जगह x का मान लिखोगे कितना, 8/1000, और 8/1000 मतलब 2/10 की घात कितनी, 3, और 12 घात है 1/3, तो ये इससे कट गया, मतलब 2/10 मतलब 1/5, तो ये 1/5 किसका मान है, y का, और डेल y का मान यहां पर है 1/120, एक में 5 का भाग देना प्लस एक में 120 का भाग देना और दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, शायद यहां से आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही, लेकिन कहीं पर कैलकुलेशन की गलती हो सकती है, बाकी मेथड यही रहेगा इसमें। आपको एक्स वो लेना है जिसका 1/3 आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम इसमें करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें होगा बच्चों वो इस तरीके से होगा, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर दो और वो दे रखा है 0.999 की घात कितनी, 1/10 का सन्निकटन मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही कीजिए भैया, यदि मैं यहां पर पॉइंट हटाता हूं तो क्या आप उसका 1/10 आसानी से निकाल सकते हो? एक्स हम वो लेते हैं हमेशा जिसका 1/10 आसानी से निकल जाए, तो आप रफ में करके देख लीजिए, इसका यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। अब क्या आप इसके ऐसे टुकड़े कर सकते हो जिसका 1/10 आसानी से निकाल सके, कर सकते हो क्या? हाँ, एक यदि आप लेते हो अक्ष का मान, तो एक का 1/10 हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर फिर इसको एक माइनस कितना करें कि ये आ जाए, और एक प्लस करने से तो ये आएगा नहीं, एक माइनस करने पर ये आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, प्रत्येक क्वेश्चन में पॉइंट हटाने की आवश्यकता नहीं है कि पॉइंट हटाने से ही वो सॉल्व हो जाए, ये तो ऐसे ही दिख रहा है भाई, 1/10 तो कहां पर लगाओगे, एक की घात लगाओगे तब आसानी से सॉल्व हो सकता है, और ये एक के पास नहीं है, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 0.999 को आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो, इसमें से यदि मैं घटाऊं कितना, ये घटाऊं तो कितना आएगा देखते हैं, 10 में से एक गया तो 9, फिर 9, फिर 9.0, यही तो आएगा, मतलब इसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं, वो बाद की बात है। सबसे पहले आप यहां पर फिर मानोगे, माना वाई बराबर एक्स की घात 1/10 है, पावर को आप चेंज नहीं करोगे, y बराबर x की घात कितनी है, 1/10 है, जहां, अब ये जहां में प्रॉब्लम होगी, x बराबर कितना लेओगे, एक लेओगे, तो डेल x बराबर क्या हो जाएगा, डेल x बराबर जो बच गया, अब एक में से कितना कम करें कि ये वापस आ जाए, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक माइनस 0.001 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब एक में से आप ये घटाओगे तो ये तो आएगा, तो यहां पर डेल एक्स की वैल्यू तो हो गई एक, सॉरी एक्स की वैल्यू तो हो गई एक, और डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.001, ये तो होगी ना, डेल एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस 0.001। ठीक है, अब आप यहां पर इसका क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो वाई का अवकलन क्या होगा बच्चों, डीवाई बाई डीएक्स होगा, और यहां पर घात पहले और घात में से एक कम करोगे तो माइनस 9/10। ओके, अब आपको इसमें x की जगह कितना लिखना है, एक लिखना है, और जब x की जगह एक लिखने के बाद में घात लगाओगे माइनस 9/10, तो वो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहां पर सीधा सीधा डीवाई बाई डी एक्स जो है वो कितना आ गया, 1/10 आ गया। आपको क्या चाहिए, डेल y चाहिए, और डेल y क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स होता है, नहीं होता, तो डीवाई बाई डी एक्स कितना है, 1/10 है, और डेल एक्स कितना निकाला आपने, माइनस 0.001। अब 10 का भाग दोगे तो एक जीरो और लग जाएगा, तो माइनस 0.001 ये हो जाएगा यहां पे। आपको सन्निकटन मान चाहिए, और सन्निकटन मान क्या होता है, y प्लस डेल y होता है, y कहां से आएगा, यहां से आएगा, x की कितना लिखोगे, एक लिखोगे, एक की घात 1/10 एक रहेगी,
और डेल वाई आपने निकाल लिया माइनस 0.001, इसमें से एक में से ये घटाओगे तो आपका सन्निकटन मान यहां पर प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप आगे जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं उनको सॉल्व करना, और नहीं आते हैं तो मेरे से आप पूछ सकते हो। आज के वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।